हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अर न्यू व्लॉग। तो अभी मैं आई हूँ हरिद्वार कनखल में, और जो आज का मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ वो है हरिद्वार कनखल में एक बहुत फेमस आश्रम है जिसका नाम है पायलट बाबा आश्रम। और जब मैंने पहली बार पायलट बाबा आश्रम के बारे में सुना, उनको थोड़ा सा पढ़ा, गूगल किया, और जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे एक्साइटमेंट हुई कि मुझे यहाँ का ये जो आश्रम है उसको शूट करना चाहिए। तो मैं हूँ अभी आश्रम के बाहर, आप लोग देख सकते हो, और ये सामने रोड है और गली से अंदर आते हुए ही मतलब ये आश्रम पड़ता है। और आप यहाँ पे जो है एक ई रिक्शा बुक करके आ सकते हो, पहला जो कि मैंने किया, मेरा ई रिक्शा वहाँ पे खड़ा हो रखा है। और ये यहाँ से एंट्री है आश्रम की, और यहाँ पे आप इनकी टाइमिंग्स देख सकते हो। अभी जो ये टाइमिंग्स हैं ये है 8 से 5, ठीक है, शीतकाल की। और जो तो यहाँ से जब हम लोग अंदर आते हैं तो यहाँ पे टिकट्स होती हैं। मैं सिंगल आई हूँ तो मेरी कोई टिकट नहीं है, एंट्री टिकट। तो अगर आप ग्रुप में आते हो 3-4 लोग तो वही है शायद 10-20 रुपीज़। तो पायलट बाबा आश्रम में मैं अंदर आई हूँ और व्लॉग मैं धीरे धीरे बना रही हूँ, और आई एम फीलिंग थोड़ा सा हेजिटेट बिकॉज कि मैं अकेली हूँ और फर्स्ट टाइम मैं अकेले ही शूट कर रही हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा पहले भी मैंने किया था, बट मैं ना ऐसे रिदम में नहीं रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं पायलट बाबा आश्रम के बारे में बता दूँ कि कपिल देव जी जो थे वो इंडियन एयरफोर्स में थे, तो उन्होंने ये आश्रम बनाया। और ये आश्रम वर्ल्ड वाइड लाइक वैसे बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छा ही आश्रम है। और वीडियो को एंड तक आप देखते रहना, बाकी मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, वो है ये शिव जी का स्टैचू। मतलब यार ये बहुत बड़ा स्टैचू है, और उन्हीं के सामने ये नंदी जी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो यहाँ से इसके ऊपर आप जा सकते हो, बट ये इन्होंने यहाँ पे अभी बंद कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे नंदी जी है, और उसके किनारे किनारे बहुत सारी देवी देवताओं की, देवता तो नहीं, देवता जी शायद आगे, बट देवियों की फ़ोटोज़ हैं। और यहाँ से धीरे 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 मैं आगे जाके भी आपको दिखाती रहती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा ना ग्रीनरी भी है मतलब यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा, ठंडा सा और काफ़ी शांत प्लेस है। और इसके सामने ये जो होटल है यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों ने पार्किंग लगा रखी है, ये वो होटल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी मूर्ति बना रखी है, बहुत सारी मूर्तियाँ, मतलब आप पूरी सारी की सारी जगह देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब कितना ना ग्रीन है बिल्कुल, और शांति है। और वैसे आज यहाँ पे भीड़ कम है, क्यों? क्योंकि आज वीक डे नहीं है मतलब, और वरना संडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। और ये सामने जो है राम जी और सीता जी का छोटा सा मंदिर इन्होंने बना रखा है। वैसे ना मुझे अजीब सा लग रहा है यहाँ चप्पलों पे घूमते हुए, क्योंकि सारी जगह मंदिर मंदिर है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आदत है हमेशा हम चप्पल उतार के जाते हैं। तो यहाँ पे विष्णु जी हैं, ठीक है, और आगे शिव जी हैं और पार्वती जी हैं, यहाँ पर राम जी और सीता माता हैं। वहाँ पर भी जाके मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, और ये वाला जो प्लेस है, आई थिंक शायद ये वो प्लेस है जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी बाबा जी ने। तो एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी, एक कोट है, ठीक है, वैसे तो और जगह पे भी है लिखे हुए छोटे छोटे थॉट्स, बट सबसे अच्छा जो मुझे लगा है वो है ये वाला, दिस इज़ माई फेवरेट, नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, द चेंजिंग इज़ परमानेंट। सच बात है, सच बात, मतलब नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर एक चीज़ चेंज हो रही है, एंड द चेंजिंग इज़ परमानेंट। तो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगी है। और ये यहाँ पे रास्ता आगे जाते हैं, बट मैं आगे नहीं जाऊँगी अभी, मैं जाऊँगी यहाँ से राइट साइड। मतलब आप ना कहीं पे भी घूम सकते हो, मेरा इस कि मैं स्टार्टिंग से ही नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये जगह ऐसी है कि आप ऐसे गए और चारों के चारों जगहों पर आप घूम लिए। तो यहाँ पर ये हैं छोटी छोटी अप्सरा, ठीक है, और यहाँ पे हैं अर्जुन और कृष्ण जी, मतलब यार कितना प्यारा लग रहा है, लिटरली वाओ वाओ वाओ, सच में मेरे को तो देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, जब मैं ना अंदर आ रही थी तो वहाँ ना फ्रंट पे ना काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, तो दे वर लाइक कि
ये फ्रंट का नहीं बनाना, शूट नहीं करना, तो मेरे को ना बड़ा डीमोटिवेशन सा फील हो गया था कि यार ऐसे ऐसे, बाद में बताऊंगी वैसे ज़्यादा बात। तो उसके बाद ना मैं 10 से 15 मिनट ना ऐसी बैठी रही, मेरे को ना ऐसे मतलब मेरा ना मुँह थोड़ा रोने वाला तो नहीं हुआ था, बट एक होता ना अंदर से कि यार मैं आई शूट करने और उन्होंने मुझे पहले ही टोक दिया, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब मुझे नहीं पता वो कौन थे, बट अभी मेरे को अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक ऐसे छोटी छोटी गुफाएं, मैं डर गई थी, छोटी छोटी ऐसे गुफाएं हैं और यहाँ पे अंदर है मूर्तियाँ, एक यहाँ पे है और सबसे प्यारी मूर्ति जो मैं बताऊँ वो है ये वाली कृष्ण जी की, बहुत अच्छी है लिटरली। हे भगवान सद्बुद्धि देना और मेरा यूट्यूब चैनल जल्दी ग्रो हो जाए। बाकी आगे होटल साइड जाने के लिए है आई थिंक, और यहाँ पे एक जू भी है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहती हूँ। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और वो लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि क्या लेके घूम रही है, बट उन्हें क्या पता मैं ब्लॉग बनाने आई हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक जू भी विज़िट करना चाहती हूँ, बट पता नहीं वो कहाँ पे है। मैं बस वही जू ढूंढ रही हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारी डक्स हैं और मैंने सुना एक ऑस्ट्रिच भी है वहाँ पे। तो और ये यहाँ का गार्डन है, ये देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा शांत सा लग रहा है, अमेजिंग, बहुत अच्छी जगह है यार, शांति भी है सुकून भी है देखने के लिए बहुत सारी, मतलब हर जगह भगवान जी। और ये आवाज़ जो आप सुन रहे हो ना, ये डक्स की है वो रही वहाँ पर। तो गार्डन के बीच ही बीच में मतलब यहाँ पे काली माता भी हैं, उनकी दो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और इसके ही सामने ना ये ज़ू है, वहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है, आप लोग बाहर से ही देख सकते हैं। और यहाँ पे किसी ने कपड़े टांगे तो सही ढंग से नहीं दिखेगा, बट उधर अंदर ना कितनी 1, 2 और 3 3 ना छोटी, मतलब 3 ना बड़ी बड़ी ऑस्ट्रिच हैं। बाकी मैं दूसरी साइड से दिखाती हूँ आपको यही चीज़। तो मैं ना एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कपिल देव जी के ऊपर, कि उनका यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि उनका ना प्लेन क्रैश हुआ था, तो वो यहाँ पे आए थे और एट द एज ऑफ 33 आई थिंक शायद वो मंक बन गए थे, मतलब बाबा बन गए थे। और उन्होंने इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था बहुत पहले, उन्होंने वो भी लड़ा था। और ये जो मतलब आश्रम है ना, ये सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट कि एक आश्रम, जो आप कह सोचते हो तो आश्रम में ये आता है कि बाबा लोग होंगे क्या है और सिर्फ स्पिरिचुअल, तो इट्स लाइक कि यहाँ पे ना मतलब ये देखो, जैसे आप देख सकते हो कि ये फॉरनर्स हैं, आई मीन पुराने टाइम के वो थे ब्रिटिशर्स जो है, यहाँ पे भारत माता की फ़ोटो है, ये लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। एक और जगह थी वहाँ पे जो है गुरु नानक देव जी की भी फ़ोटो थी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भारत माता, एक मंदिर भी है यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक चिड़ियाघर भी है। तो ये आश्रम मतलब एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअल वे में, इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे है, देश प्रेम भी है यहाँ पे। तो ना मैं एक मिनट दिखा दूँ फेडिंग से, परफेक्ट नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से ना बर्ड्स हैं, जो वाइट वाले कबूतर होते हैं, वहाँ पे डक है, आवाज़ आ रही होगी देखना, ये थोड़ी थोड़ी। और ऑस्ट्रिच ना उस साइड है, वो ना क्लियरली नहीं दिखेगा बिकॉज मैं अंदर जा नहीं सकती हूँ, बट अच्छा लगा मुझे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे के सारे आश्रम को एक्सप्लोर करूँ। और यहाँ पे आगे जाते हुए एक और मंदिर है, और यहाँ पे भगवान जी की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पे ना इसके अंदर भी मतलब एक छोटी छोटी सी वो बना रखी है गुफाएं जिसको कहते हैं, और अंदर जो है काफ़ी सारे कृष्ण जी के ही हैं, मतलब जैसे काफ़ी सारे जो मतलब दानव उस टाइम पे कृष्ण जी को मारने आए थे, तो ये सारी की सारी वही मूर्तियाँ हैं अंदर, ये देखो। तो मैंने अभी यहाँ से एंटर किया, और यहाँ पे थी एक शिव जी की मूर्ति, और सामने बैठे हुए थे एक पुजारी जी। और यहाँ पे जब आप आओगे तो एक मुख्य मंदिर है यहाँ पे, वो है ये वाला, और यहाँ पे पंडित जी टीका लगाते हैं, और यहाँ पे भी शिव जी की ही मूर्ति है सारी सारी, ये देख सकते हो आप, मतलब ये शिवलिंग है नीचे और यहाँ पे मूर्ति है, वाओ। ये देखो यहाँ पे भी कितनी सारी जगह है, मतलब कितना ना जब भी ये बनाया होगा, मतलब कितना
डीपली मतलब इसको डिज़ाइन किया गया है। ये देखो बहुत प्यारी जगह है लिटरली। और यहाँ से एंट्री वैसे बैन है, नो एंट्री। और ऊपर जो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी मतलब पुजारी जी रहते हैं या बाबा जी रहते हैं, जो भी संत लोग रहते हैं, तो ये इधर रहते हैं इन जगहों पे। और ये मैंने अंदाज़ा लगाया बिकॉज यहाँ पे उनके कपड़े टंगे हुए थे, इसलिए जैसे सामने से वो आ रहे हैं तो उन लोगों का स्टे यहीं पे ही है। जैसा कि मैंने पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि ये मतलब आश्रम सुन के ना हर इंसान के दिमाग पे ये चीज़ आता है कि सिर्फ स्पिरिचुअल और हमारे मतलब लाइक देवी देवता और जो भी संत महात्मा या भगवा कलर या जो भी, ठीक है। बट ये जो आश्रम है यहाँ पे लाइक बहुत सारी चीज़ें, मतलब देश प्रेम भी देखोगे, वहाँ पे भारत माता की फ़ोटो भी थी, वाली मूर्तियाँ भी बना रखी थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स मतलब इंडियंस को मार रहे थे ऐसे चाकू घोप के। और यहाँ पे एक और चीज़ दिखाती हूँ, सामने है गौतम बुद्ध की और यहाँ पे है मूर्ति बना रखी गुरु नानक देव जी की, यहाँ पे ये मूर्ति है। और सामने मैं आपको दिखाऊँगी, वैसे दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पर गौतम बुद्ध की भी मतलब यहाँ पर मूर्ति है। तो इट्स लाइक कंप्लीट, मतलब हर एक चीज़ है यहाँ पे। आपको सिर्फ एक वो हिंदुज़्म ही नहीं दिखेगा, सनातनी नहीं दिखेगा। और बहुत अच्छी लोकेशन जो मुझे फ़ोटो खिंचवाने के लिए लगी है वो है ये बैम्बू ही बैम्बू। और ये इतना बड़ा है ना मत पूछो, बाप रे बाप। और जो मैंने इससे पहले दिखाया था शिव जी की मूर्ति, वो ये है यहाँ पे। उसके आगे का एरिया मैंने दिखा दिया है और ये उसके बैक साइड वाला एरिया है। बाकी अब मैं यहाँ से जाती हूँ सीधा बाहर। तो जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो हमने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा डांडी मार्च के बारे में, जिसको हम एक तरह से सॉल्ट सत्याग्रह भी कह सकते हैं, जो महात्मा गांधी जी ने मतलब लेके आए थे जब वो जा रहे थे, ठीक है। तो उनकी भी मतलब ये पूरी की पूरी मूर्ति बना रखी है। ये गांधी जी हैं और उनके पीछे जितने भी लोग थे। तो नाइस यार, बहुत अच्छा लगा देख के। और ये भारत माता जी, ओ गॉड, हे भगवान, यार कितना अच्छा लग रहा है देख के। मैं लिटरली बहुत खुश हूँ, मतलब जब मैं ये चीज़ देखती हूँ ना, मतलब एक अंदर से ना मेरे देश प्रेम आता है। तो मतलब मैं एक तरह से ना फील कर सकती हूँ कि यार मतलब पायलट इंसान, ठीक है, उन्होंने वॉर भी लड़ी इंडियन चाइना के बीच, और देश प्रेम के साथ साथ एक वो भाव जो होता है ना, स्पिरिचुअल भाव, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा देख के यार, सच में। मतलब ये होते हैं ट्रू इंसान, कि जो हर एक चीज़ को लेके चलते हैं। और यहाँ पे देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी भी मूर्ति है। अच्छा लगा मुझे सारी की सारी चीज़ें देख के। और यहाँ पे देखो झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, उनका भी एक मतलब बना रखा है इन्होंने मूर्ति, जो कि बहुत अच्छा है यार। और ये तोप, नाइस। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मेरे दिल को छुई वो है गौतम बुद्ध की फ़ोटो, ठीक है। और यही सामने पे एक वो लिखा है मंत्र, मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब इसका मतलब ये होता है कि बुद्ध की शरण में आओ। ये मेरे पापा ने मुझे बताया था और मेरे को सही ढंग से परफेक्टली नहीं पता क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो बस जो भी है, खैर मतलब मुझे अच्छा लग रहा है पर यार नाइस, मतलब अच्छा लग रहा है कि एक तो मतलब पता है क्या मेरे अंदर ना अभी, मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि मैं पर्सनली आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये चीज़ कि मैं यहाँ पे आई और पहले ना मेरे को एक अंकल ने बोल दिया कि नहीं फ्रंट का शूट नहीं करना है, कुछ बोल दिया। वैसे यहाँ पे शूटिंग अलाउ है, आप यहाँ पे आके व्लॉग बना सकते हो। पहला कि मैं अकेली हूँ, दूसरा कि मेरे को पहले डांटा नहीं, इट्स लाइक उन्होंने बोला, और बड़े कैसे बोलते हो अपने बच्चों को, तो उस वे में तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे लो फील हो गया था। फिर मैंने अपना मेकअप मतलब माइंड का मेकअप किया थोड़ा सा, मतलब ऐसे ऐसे किया और ये व्लॉग बना दिया। और आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आए। और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ सीधा बाहर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो, मैं आ चुकी हूँ बाहर और आई होप कि ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। और अब मैं निकल रही हूँ अपने घर की तरफ और आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मैं थोड़ा सा ना, मुझे नहीं पता ये व्लॉग अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा, थोड़ा सा नर्वस थी आज बिकॉज थोड़ा बस ऐसे ही थोड़ा सा, क्योंकि वो रिदम सा नहीं आ रहा है ना, आया भी नहीं थोड़ा ऐसे ही, फिर
तो बाद में अंकल ने मतलब मुझे रीज़न ये दिया, बोला कि हमारी ड्यूटी वगैरह चेंज होती रहती है, तो कुछ था शायद उनका अपना पर्सनल, तो शूट करना अगर किसी ने देख लिया हमको, कुछ था उनका, मुझे नहीं पता वो चीज़। तो तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड।